हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल सिविल ऑटो का डिजाइनर में। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने आपको बताया था कि होम प्लान को 2D से 3D में कैसे कन्वर्ट करते हैं, और उसकी वीडियो मैंने यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी है। आप चैनल पे जाके वो वीडियो देख सकते हैं। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में आप करिए, मैंशन करिए, हम आपको क्वेश्चन अगली वीडियो में आपको देंगे। आज की वीडियो में दोस्तों, आज आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, आज की वीडियो है वो है दोस्तों कि हमने जो भी कोई ड्रॉ करना है, हाइलाइट्स करना है, जैसे कि सम सम टैंक बनाना, आपने एक पंप रूम बनाना, आपको 360 डिग्री की क्या क्वेश्चन के लिए किस सब क्वेश्चन के लिए बनाना। तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो है एक प्लान बनाया है, वो सेक्शन बनाया है, हमें प्लान और सेक्शन दोनों ड्रॉ करने हैं। तो प्लान जो होते हैं दोस्तों, टॉप टॉप व्यू होता है, और टॉप व्यू को काट के हम उसको सेक्शन बनाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे कि प्लान कैसे बनाते हैं, उसको काट के सेक्शन, जो काटे के सेक्शन को हमें क्या क्या दिखेगा। तो शुरू करते हैं दोस्तों। जैसे हम ऑटोकैड ओपन करते हैं तो ऐसे इंटरफेस ओपन होगा, जैसे मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है। तो स्टार्ट ड्राइंग पे जाएंगे। स्टार्ट ड्राइंग पे जाने के बाद दोस्तों, आपको पहले यहाँ पे यूनिट सेट करनी है। तो पहले हमने यूनिट सेट करने के लिए हमने क्या करना है, तो मैं बोलता हूँ आपको। ये हमें एसेंट पे खुलेगा। तो यूनिट सेट करने के लिए आपको दोस्तों क्या करना है, पहले आपने तो यू एन एंटर करना है। क्या करना है, यू एन एंटर। यू एन एंटर के क्या होगा दोस्तों, आपका यूनिट का जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। यूनिट्स डायलॉग बॉक्स में क्या होगा, इसे हम अपने यूनिट्स को सेट कर सकते हैं। तो जैसे हमें डेसिमल से वो डेसिमल में देना है, क्योंकि हम मीट्रिक बना रहे हैं या मिलीमीटर बना रहे हैं, और इसको हमने 0.02 ले लेना है, और मीट्रिक को हम ऐसे मीटर में बना रहे थे, यहाँ पे हमें जो मेंशन दिए है वो मिलीमीटर में दिया है, उसको हम कन्वर्ट करके दोस्तों मीटर में बना देते हैं। ठीक है, तो मीटर में कर देते हैं कन्वर्ट। यहाँ पे मीटर आ गए, हमारा मीटर ओके कर देना, ये हमारा एक हो गया। अब दूसरा हमने क्या करना है दोस्तों, लिमिट सेट करनी है। LIMITS लिमिट्स, ये एल या LIM कर सकते हो। तो यहाँ पे लिखो, नीचे लिखा हुआ है, नीचे लिखा हुआ, देखो ऐसे देख सकते हो आप, नीचे लिखा हुआ है लोअर स्पेसिफिक कॉर्नर ऑन ऑफ। ठीक है, इसको हमें कुछ नहीं करना। तो आपने क्या करना है दोस्तों, इसको क्लिक करके 0.00, 0.00, ठीक है, कर दिया। अब लिखे अपर स्पेसिफिक अपर राइट कॉर्नर, मतलब राइट कॉर्नर को अपने हिसाब से साफ से देखना है आपने कि आपका जो ड्राइंग है वो कितने में आ सकते हैं। तो मैं लगा दूँ 50 मीटर के हिसाब से, तो हम एडजस्ट कम भी कर सकते हैं, कॉमा 50 मीटर के हिसाब से, एंटर। तो जेड एंटर, ए एंटर के हम जूम ऑल करेंगे, तो ये हमारा हो जाएगा पूरा इंटरफेस चेंज। ठीक है दोस्तों, इसको हम चाहे तो नीचे रख कर सकते हैं, इसको आराम से यहाँ पे हम इसको कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, हो गया। अब हम ड्रा करते हैं लाइन। हम शुरू करते हैं। उससे पहले दोस्तों हमने डायमेंशन देनी है। तो डायमेंशन का क्या होगा, डी एंटर। बी एंटर से क्या होगा, डायमेंशन के अगर बॉक्स जो है डायलॉग बॉक्स वो ओपन हो जाएगा। देखिए जैसे डायमेंशन स्टाइल मैनेजर आ गए, तो हमने क्या करना है, स्टैंडर्ड पे जाना। स्टैंडर्ड पे जाने के बाद आपको मॉडिफाई पे जाना। मॉडिफाई पे जाने के बाद आपको प्रीवियस प्राइमरी जाना है, और यहाँ पे जो आपको 0.00 सेट कर देना है। और टेक्स्ट में हमने 0.33 दे देते हैं, इसको करके ओके कर देना है, और सेट करंट भी करना है दोस्तों। जब तक आप सेट करंट में नहीं करोगे तो आपको जो डिमेंशन है वो ISO 25 के मुताबिक ही चलेगी। इसे सेट करंट करोगे तो आपके यहाँ पे आ देखिए, आप शो हो रहा करंट डाया स्टाइल स्टैंडर्ड। ठीक है, करंट कर गया, आपको आपको क्लोज कर देना है। अब हम पहले ड्रा करते हैं रेक्टेंगल। रेक्टेंगल आपको कितना करना करना ये हमारी विड्थ है 13.5 बाय 4.5 की विड्थ हमें रेक्टेंगल ड्रा करनी है। तो उसके लिए क्या करेंगे, आप REC एंटर। रेक्टेंगल एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है कि सैंपल एलिवेशन करना है, फिल्ड करना है, थिकनेस करनी है, तो डायमेंशन करना है, डी एंटर कर देंगे। डी एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे लाइन देनी है, डी एंटर करना है। ठीक है, तो अब हमें करना है 13.5 एंटर, 4.5 एंटर। तो ये आ रहा हमारा यहाँ पे, देखिए कितना छोटा, इसको हम जूम करके 50 मीटर देते हैं, तो हमने जूम करके, तो हम अभी हमने
आप इसकी सर्च कर रही है, हमारा आगे 13.5 आप चेक कर सकते डायमेंशन से, और यहाँ पे क्लिक करेंगे और उस डायमेंशन यहाँ पे क्लिक करेंगे, देखिए 13.5 आ गया। तो जैसे कि ऐसे भी सामने दिया 13.135 00, ये हमारा मिलीमीटर था, उसको मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अभी हम ऑफसेट लिया 3 मीटर का, हमें दोबारा लेनी है ऑफसेट 0.3 मीटर, वापस हमें लेना 0.3 मीटर। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपका। अब दूसरा इन्होंने क्या किया है कि सेंटर में एक वॉल लिया, जिसे हम ले रहे हैं पंप रूम को हमें बनाना होता है, तो उसके लिए हमें वॉल लेनी है। उससे पहले हमें दोस्तों ये हमने सेंटर में बीम लेना है। सेंटर में बीम लेने के लिए हमें क्या करना है, यहाँ से सेंटर लेना है, जैसे ट्रैंगल शो होगा ट्रैंगल लेनी है, और ऑर्थो मोड ऑन कर देना, एफ8 से आप ऑर्थो मोड ऑन कर सकते हो, क्लिक कर देना आपने यहाँ पे। और हमने यहाँ पे देना है कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ, देखिए यहाँ पे हमने लिखा हुआ है दोस्तों कि कितनी की हमें बीम देना है। मैं जो जूम आउट करता हूँ आपको, ये लिखा हुआ ना हमने यहाँ पे, देखिए ये हम लिखा हुआ कितनी की जूम लेना हमें, 300 बाय 400 का, तो हमें टॉप व्यू से 400 दिखेगा। तो हमने क्या करता है, ऑफ रेंट लेना है, तो सेंटर से हम यहाँ पे 0.2 ऊपर लेंगे, 0.2 ऊपर लेंगे और 0.2 नीचे लेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको कंप्लीट कर देते हैं, ये हमारा सेंटर पॉइंट बन गया है। अब हमें जो वॉल लेनी है, बल्कि पंप रूम के लिए हमें जो वॉल लेनी है एज इट इज, तो हमें क्या करना है दोस्तों, जो आप डोर बनाया है तो जबकि हमारा पंप रूम से इतना ही होगा, तो आता रहना बाकी लोग, अगर कोई जो पंप रूम के ऑपरेटर होते हैं, पंप ऑपरेटर होते हैं, वो यहाँ पे वॉक कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, आप कुछ वॉक नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दो हमने बनानी होती है, एक एक यहाँ एंट्री करेंगे, यहाँ से बाहर जा सकते हैं। तो उसके लिए क्या करना है आपको, यहाँ से एल एंटर करके इसका सेंटर देना है, इसका तो सेंटर ले लेंगे, तो क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देंगे। ठीक है, ट्राइंगल है, ट्राइंगल मतलब सेंटर पॉइंट है। ठीक है दोस्तों, अगर ये आपको ट्राइंगल श्योर नहीं हो रहा तो आपने यहाँ जाना है, यहाँ पे जाके इन सबको क्लिक कर देना, टिक कर देना, जिससे आपको सेंटर पॉइंट शो होगा, एंड पॉइंट, मिड पॉइंट, सेंटर पॉइंट, जो बैक पॉइंट सारा शो होगा। ठीक है दोस्तों, तो ऑफसेट लिया हमने, तो यहाँ पे 0.23 कर देना है, ये 0.23 हमारा एंड बन गया। ठीक है, इसको हम टॉप टेन पे लेने देना है। उससे पहले हमें क्या करना है, हम डोरो वीडियो बनानी है, इसको मैं टॉप टेन पे भी ले लूंगा, कैसे लेनी है मैंने आपको वीडियो बताइए कि हमें यहाँ पे लोडिंग के लिए कैसे लोड करनी है, तो आप वीडियो देख सकते हो चैनल जाकर, यहाँ पे मैं आपको बता दूंगा कैसे करना है। उससे पहले दोस्तों हमने एक लाइन लेनी है डोर के लिए, तो हम क्या करेंगे, एल एंटर करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ले लेंगे। ठीक है, तो ऑफसेट ले लेंगे, ऑफसेट लेना हमें 1.2 एंटर, क्योंकि डोर हम देखते हैं 1.2 × 2.1। अब टॉप व्यू से देखोगे तो 1.2 शो होगा, हाइट तो शो हो नहीं होगी, विड्थ शो होगी हमारी इसकी। ठीक है, वैसे भी हमें यहाँ पे भी 1.2 की लेनी है। ये हमारा पूरा हमने बॉक्स किया था, इसलिए हम जो टी आर डबल एंटर करके इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, और इसको ट्रिम कर देंगे, इसको ट्रिम कर देंगे, इसको हम डिलीट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, ये हमारा डोर भी यहाँ से आपका डोर वर्ड कर देंगे। अब हमने विंडो बनानी है, वो एंटर करके विंडो हमारी होगी 2.9 मीटर × 1.2 मीटर, टॉप व्यू से हमारे 0.9 दिखेगी, एंटर कर देंगे, और ये हम यहाँ से प्लान दे देंगे। क्या क्या करना, टी आर डबल एंटर करके इसको डिलीट, इसको दोनों को डिलीट कर देना, और सॉरी मैंने गलती से एक को डिलीट, इसको डिलीट कर देना। ठीक है दोस्तों, और क्योंकि मैंने गलती से ये डिलीट कर दिया, ये डिलीट कर दिया, ये बीम है। ठीक है दोस्तों, कर दिया अपने एल एंटर करके, यहाँ पे लाइन लेनी है अपनी मर्जी से, आप देख सकते हो, और सेम लाइन हमने ऑफसेट करके यहाँ पे देनी है। इसको ऐसे करना, आपने यहाँ से सेट करना है और यहाँ पे छोड़ देना, तो टी आर डबल एंटर करके इसको ट्रिप कर देते हैं, इसको ट्रिप कर देते हैं। तो ये हो गई हमारी डोर और विंडो, तो मैं भी देख रहा हूँ हमने ये ऑफर लिया तो पूरा हो गया। तो दोस्तों अब जैसे कि ये था कि हमें टॉप व्यू से नहीं दिखेगा, बस हमें दिखाना है, तो उसको हम डॉटेड कर देते हैं। तो डॉटेड करने के लिए क्या करना है आपको, पहले आपको लाइन लेयर्स में जाना है, एड्रेस में जाकर आपको यहाँ पे डोर्स में जाना है। डोर में जाने के बाद डैश का ऑप्शन आएगा आपको, यहाँ पे ये डैश का ऑप्शन हो रहा है, जैसे ये डैश डैश 5B2B आप डैश। ठीक है, इसको ओके कर देंगे। ओके, तो आपने इसको सेलेक्ट करके कंट्रोल वन करना है। कंट्रोल वन से क्या होगा, आपकी प्रॉपर्टी खुल जाएगी। देखिए जैसे मेरी प्रॉपर्टी खुल चुकी है, तो उसके अंदर यहाँ पे जाके आपको यहाँ पे डैश जाना, या अभी आपको शो नहीं होगा तो आपको उसको लेयर देना, लेयर फाइल दे देते हैं। देखिए आपको यहाँ पे शो होगा, अगर फाइव शो नहीं होगा तो इंस्टॉल डिस्टेंस आपको कम लेना, तो हम लेते हैं यहाँ पे 0.1 लेते हैं, 1.1 और कर दोगे
और पॉइंट बन लेते हैं, अब वो पॉइंट जीरो बन लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्रॉफिट शो। ठीक है दोस्तों, हम खाते करते थे कोर्स, तो ये था हमारा प्लान। अब इसमें हमें हैचिंग देनी है, तो हैचिंग क्या करना है, अपने एल एन से जो इसको हम कवर कर देते हैं इसको, और इसको हम कवर कर देते हैं, क्योंकि अगर इसको हम कवर नहीं करेंगे तो हैचिंग हमारे अंदर जाएगी, अंदर हैचिंग नहीं चलेगी। तो एच एन टे करके हम पहले एक को हैच कर देते हैं, उसको मैच करने के लिए इसको हम छोटा सा हैच कर देते हैं, और यहाँ पे जाके कंप्लीट में दे देते आएंगे, तो हम देखते हैं क्या हिसाब होगा। पॉइंट जीरो वन कर देते हैं, आ रहा है हैचिंग हमारा, ये आ गया हमारा, बट ये थोड़ा ज़्यादा है छोटा, तो हम क्या करते हैं और कम कर देते हैं इसको, 0.001 कर देते हैं, एंटर मार देते हैं, ये आ गया हमारा। ठीक है अच्छा, और हम कर सकते हैं हैचिंग का ऑपरेशन करता है 0.001, सॉरी 0.06 कर देते हैं, एंटर, देखिए ये ज़्यादा हो जाएगा, तो 0.001 कर देते हैं, 0.001 कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा हैच का बच्चे हुआ एक, आपने क्या करना है, हैच देंगे अब ये है, ऐसे करके कोई तो सेट कर देते हैं हम, ये सेट कर देंगे, ये सेट कर देंगे, ये सेट कर देंगे, ये सेट कर देंगे, सेट 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 और तो ये हमने सेट कर दिया हुआ। तो दोस्तों ये तो हमारी हैच, अब हमें हैच करना मीन, अब जैसे आप देख सकते हो इसका स्केल, इसका स्केल बिल्कुल अलग है, तो आप इस पर क्लिक करके एम ए मैच करना है, जैसे आपकी ये ऐसे सिंपल आएगा तो आपको उसको क्लिक कर देना, तो वैसे भी ये सारा हमारा हैच हो चुका है, देख सकते हो आप इसको। तो ये था हमारा प्लान, अब एक से एक जगह आइए हमारे दोस्तों, यहाँ पे हमें मैच करना है, इसको हम एम ए करके मैच कर देते हैं, ये हमारा हैचिंग पूरी हो चुकी है। चाहे तो आप उसको और कम कर सकते हो, हैच करके आप क्लिक करके और कम कर सकते हो सबको। तो हमने क्या करना है, 0.0065 कर देते हैं, देखिए और कम बढ़ रहा है, उस हिसाब से आप यूज कर सकते हो, 0.004 कर सकते हो, देखिए ये ठीक है। ठीक है दोस्तों, ये हमारा हैच बन गया, प्रॉपर्टी का बन गया आपके प्लान, स्टेप ऑफ सेफ्टी प्लान का या कंपनी का प्लान बन गया। हम इसको हमने यहाँ काट देंगे सेक्शन के लिए, यहाँ से काट देते हैं, काटना हमें सब सिंपल देना पड़ेगा, कि हमें जब प्लान बनाते हैं हमें एक सिंपल प्लान के हमें सेक्शन काटना पड़ता है, तो उसको हमें सिंपल देना पड़ता है कि हमें प्लान जो है वो आपको सेक्शन कहाँ से काट सकता है। तो इसके लिए हम ये सॉरी ये हमें काटना जरूरी है, ताकि अगले को पता लगे हमें कहाँ से काट के आपको बताया। दोस्तों जैसे हमने प्लान बना दिया, तो अब हमने क्या करना है, इसका सेक्शन बनना बनाना है ना, तो सेक्शन के लिए मैंने आपको बताया ना ये लाइन हमने काटी है, ये लाइन हमने काटी जरूरी है। तो अब हम करते हैं सेक्शन किसके बनाते हैं, सेक्शन के लिए क्या करना है, आपको प्रोजेक्शन देनी है, तो एल एन टे करके यहाँ पर आपको प्रोजेक्शन देनी है, अपने हिसाब से आप नीचे ले सकते हो, बाद में आप कर दीजिएगा, प्रोजेक्शन देनी है सेम से जैसे यहाँ पे जो दिया हो वैसे ही हमें प्रोजेक्शन देनी है सबकी। प्रोजेक्शन यहाँ पे ये प्रोजेक्शन देनी है, हर किसी की प्रोजेक्शन देनी है, बाद में फिर डील वगैरह करते हैं डिफरेंस को। जब भी आप सेक्शन होते हो आपको प्रोजेक्शन देना जरूरी है, क्योंकि प्रोजेक्शन से क्या होगा दोस्तों कि सेक्शन जो है बिल्कुल प्लान के बिल्कुल साथ साथ बनेंगे, सामने सामने बनेंगे, अगर तो प्रोजेक्शन नहीं लोगे तो आगे पीछे बोलते हो, फिर प्रॉब्लम आपको हो सकती है बैक पे, इसलिए सेक्शन दे दिया। स्पेस बार आकर आपको पीछे कमांड आप ले सकते हो, ठीक है, जैसे अभी मैं कोई कमांड यूज करूंगा स्पेस बार दौड़ो, स्पेस बार से एस्केप कर सकते हैं, स्पेस बार से ले सकते हैं। तो ये हमने प्रोजेक्शन ले लिया, तो हम एक लाइन लेंगे, इससे पहले मैं आपको ड्राइंग देता हूँ, तो इन्होंने क्या किया यहाँ पर, हमने तो ऊपर देता हूँ मैं, यहाँ पे क्या किया दोस्तों, एक पीसीसी लिए, और देखिए आप चेक कर सकते हो पीसीसी लिए 100 mm का लिखा हुआ यहाँ पे, ठीक है 100 mm का पीसीसी लिए और 100 mm का ऑफसेट लिए, तो उसके लिए क्या करना है आपको दोस्तों, तो एक एल एंटर करके लाइन ड्रॉ करनी है, या अपने मर्जी से आप कहीं भी कर सकते हो, यहाँ से यहाँ कर दिया मैंने लाइन ड्रॉ, ठीक है। तो 100 mm मीटर के हिसाब से लेने तो कितना होगा हमारा 1.1 मीटर, तो यहाँ पे 0.1 एंटर कर देना, 0.1 ले लिया, तो ऐसे हमें ऑप्शन लेना एल एंटर करके 0.1 एंटर,
पॉइंट वन एंटर और पॉइंट सॉरी ये नहीं हो पॉइंट वन एंटर पॉइंट वन एंटर और पॉइंट वन एंटर ठीक है। इधर से एल एंटर करके पॉइंट वन एंटर पॉइंट वन एंटर पॉइंट वन एंटर ठीक है दोस्तों। ऐसा हम प्रिंट कर देते हैं इसको, इसको यहाँ से प्रिंट कर देते हैं आप और ये भी प्रिंट कर देते हैं, इसके भी जो टी वी सारा हम यहाँ से प्रिंट कर देंगे, सारा ये भी हम प्रिंट कर देंगे ठीक है। तो इसको हम प्रिंट कर देंगे सारा, ये हमारा बन गया पी सी सी। उसके बाद हमने क्या किया है आप यहाँ पे आपको बताते रहूंगा, कलर चेंज कर देता हूँ। इसके हमने यहाँ पे किया दोस्तों, हमने 300 mm थिकनेस की बॉडी ड्राफ्ट की है ठीक। जो हम जिम्मे करते आपको ऐसे जो इंजीनियर्स को पता होता है तो बहुत ड्राफ्ट पे हम ड्राफ्ट लेंगे क्या हुआ लेंगे किसी इसके बाद मिशन ड्राफ्ट देते, तो 300 mm के हमने ड्राफ्ट की है 3.3 मीटर। तो क्या करना है हमने यहाँ पे ओ एंटर करना है, तो यहाँ से हमने यहाँ पे 0.3 एंटर करना है, 0.3 हमने याद ले लिया। तो हमने जस्ट तो जैसे आप देख सकते हो हमने यहाँ पे ऑफसेट दिया हुआ ये बार ठीक है, चेक कर सकते दोनों तरफ। तो वो यही सॉरी यही हमने क्या यहाँ पे टी आर डबल एंटर करके इसको हमने डिलीट कर देना है, इसको यहाँ से वो और ये ऐसे करो ठीक है। तो इसको हम यहाँ से काट देते हैं, वैसे हमें यहाँ पे करना इसको डिलीट इसको रिमूव, ये हमारा बन गया ड्राफ्ट ऐसे ठीक है दोस्तों। अब आगे हमने क्या किया, हमने 4500 हमने यहाँ पे बॉटर ट्रेनिंग दी है, उसके बाद फ्री बोर्ड दिया हुआ 0.450 का ठीक है, और उसके 0.45 फीट देखे जाए तो उसके बाद हमने क्या किया 4.95 का हमने एक लाइन ड्रॉ की है ऊपर की तरफ टॉप से ऊपर की तरफ ठीक है। इन द सेंस इस हमने 200 मीटर से पहले ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं, तो क्या करना है हमें यहाँ पे ओ एंटर करना है, यहाँ पर हमने ले लिया 4.95 एंटर, यहाँ 4.95 ले लिया। उसके बाद जैसे आप देखते हो कि हमने 4.95 कहाँ से दिया एरो का स्पेस और यहाँ पे था, उसके बाद 0.2 पे हमने ओ लेनी है, तो ओ एंटर करके 0.2 एंटर कर देना, तो दूसरा की ले लिया। तो हमने टी आर डबल एंटर करके उसको प्रिंट कर देंगे ठीक है दोस्तों। अब ये हमारा ऊपर का बीम बन चुका है जैसे ये देख सकते हो। अब हमने ये ज्वाइन करना है, इसको हमने क्या करना है हमारा जो बीम बनेगा पूरा यहाँ से लेकर 400 mm का यहाँ तक ये बनेगा पूरा बीम हमारा, जो हमने यहाँ पे दिया होगा देखिए ये दिया ना जो वो बनेगा। तो हमने इसमें क्या करना है, हम यहाँ पे ओ एंटर करके यहाँ से लेकर 0.4 एंटर कर देंगे ठीक है। या भी जैसे आप यहाँ से 0.2 भी एंटर कर सकते हो, वापस एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ एक्सटेंड कर देंगे यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से यहाँ तक ठीक है। अब हमने क्या करना है एफ एंटर करके इसको और इसको फिट कर देंगे, इसको और इसको फिट कर देंगे, वैसे यहाँ पे करना इसको और इसको फिट, इसको और इसको फिट कर देंगे। ये हमारा बन गया एक सेक्शन, नीचे का आप चेक कर सकते हो नीचे सेक्शन बन चुके हैं। फ्री बोर्ड देना, फ्री बोर्ड से हमें क्या करना है दोस्तों यहाँ से नहीं है जो हमें दिया है ना ये चीज बीम से ऊपर डिलीवरी जो सेंटर मिड पॉइंट नहीं हमारा वहां से हमें ओ एंटर कर देना है और यहाँ से हमें 2.45 कर देंगे ठीक है। तो ये हमारे यहाँ पे आ जाएगा फ्री बोर्ड का जो हमारे डैश पानी आ जाएगा ठीक है। अब हमने बनाना है यहाँ पे ये चीज, तो ये हमारा होता है प्रिंट प्रोटेक्शन तो ठीक है। प्रिंट प्रोटेक्शन के लिए क्या करना है आपने यहाँ पे दिया हमें 0.6 का ठीक है। तो हम क्या करें अपने हिसाब से बना सकते हो एल एंटर करके 0.6 एंटर ठीक है। 0.6 के बाद आपको फ्री फ्लोर देनी है, पहले 0.1 कर देंगे हमें ये हमें देनी है वो देनी है सॉरी 0.1 करते हैं हमें यहाँ पे पीसीसी देनी है ठीक है। पीसीसी देने के बाद आपको क्या करना है हमारा हो गया, उसके बाद हमने आर्थिक को मैक्सिम देने का ऑप्शन दिया दे सकते हो वो, तो अदरवाइज आपको ओ एंटर करके यहाँ पे 0.05 का हमने लीड फ्लोर देनी है, ये हमारी होगी कंप्लीट फ्लोरिंग। और एफ एंटर को हम ज्वाइन कर देंगे यहाँ से यहाँ तक ठीक है दोस्तों। ओ एंटर करके हमने ये हमारी कर दिए तो 0.3 बना देंगे, एल एंटर लेते हैं 0.3 लेनी है और यहाँ पे 0.3
सेंटर और ये हमने ज्वाइन कर दिया। तो ये हमारे हो गए सेल्फ प्रोटेक्शन। अब चाहे तो आप देख सकते हैं इसको मैंने और कम लिए तो ये हमारे ब्रेक में एक्चुअली बोला था हमको 0.23 ले लेंगे, ठीक है दोस्तों। इसको यहाँ पे मूव करके 0.3 दिया था, 0.07 0.7 माइनस कर कम कर दिया। तो इसको मैं वापस मूव करके अब इतना, ठीक है दोस्तों। मैंने तय किया 20 मिनट में लिए, तो ब्रेक में एक्चुअली में क्या होगा, हमने ब्रेक जो होती है हमारी 9 इंच होती है, ठीक है 0.23 एंटर। ये हमारा बन गया हमारा विंड प्रेशर का, जो हमें यहाँ से ग्रेविटी हमें मिल जाएगा ये ग्राउंड लेवल। उसके अगर मैं कॉपी करना है, एम आई करना है, एम आई से मीटर क्या होगा हमें सेल देना है, तो इसको सेंटर पॉइंट देना है। यहाँ सेंटर पॉइंट जैसे ट्रैंगल होगा सेंटर पॉइंट यहाँ पे करके एम एंटर देना। तो ये हमारा बन गया विंड प्रेशर, ठीक है। अब इसको हम हैचिंग देते हैं, पर इसका हैचिंग का काम कम्प्लीट करते हैं, इसको रोल कॉल करेंगे। एच एंटर करना है, यहाँ पे हमें हैच देनी है, यहाँ पे देनी है, यहाँ पे देनी है, यहाँ पे देनी है, सारी जगह देनी है, ठीक है दोस्तों। और यहाँ पे छोटी भी देनी है, हैचिंग हमें दे दी है। अब हमें हैचिंग मैच करनी है, तो क्या करना पड़ेगा, एम ए एंटर, एम ए एंटर करना, कोई यहाँ पर क्लिक कर देते हैं। जैसे क्लिक करेंगे वहाँ पे ये पेंसिल और शॉप आर्ट निशान आ जाएगा, तो आपका मैच का ऑप्शन आ गया। मैच भी आपको क्या करना है, एम ए कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे जाके ये मैच प्रॉपर्टीज है यहाँ पे दे सकते हो, हमारा मैच का हो। अब हमने एक फ्री सॉरी हमें यहाँ पे देना था, तो टी आर करके एंटर, यहाँ पे हमने डी कर दिया मैच, ठीक है। ये फ्री बोर्ड है, फ्री बोर्ड में हम हैचिंग दे देते हैं, ठीक है दोस्तों। अब हमने यहाँ पे पानी देना, पानी के लिए हमारा क्या है जो है एच एंटर करके इस पर क्लिक कर देंगे, और यहाँ पे आता है आपका डैश डी एफ, यहाँ पे करिए डी 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 ई आर डैश का, ठीक है। यहाँ पे हम कर देंगे, ये हमने 0.01 किया ना, तो यहाँ पे हम कर देंगे एक एंटर, ये एक ज्यादा हो जाएगा तो फिर कम हो जाएगा, 0.1 कर देते हैं। ये हमारा डैश का ऑप्शन आ गया, अब क्या करोगे 0.09 कर सकते हो, ठीक हो। ये डैश आ गया, पानी का ऑप्शन आ गया, इसको कलर कर सकते हैं। कलर करने के लिए आप जाके अपने पानी का कलर चेंज कर सकते हो, ये ठीक है। तो ऐसे भी हमारा ये पूरा बन चुका है, देख सकते हो आप। बन करके मैं यहाँ से सारा डिलीट कर दूंगा थोड़ी देर बाद, ये हमारा बन चुका है, इसमें सारा डिलीट कर दूँगा, ठीक है दोस्तों। आई होप आपको इतनी समझ आ गई है। तो कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स मैसेज कर सकते हैं, हम आपको सोचना आपको देंगे, ठीक है। इतना बन गया। अब हम एक चीज़ बैगी हमारी बीम बना, तो बीम के लिए क्या करना है आपको, जो भी मेरी सेंटर है ना, तो एल एंटर करके इसको हम यहाँ से लाइन लेते हैं सेंटरिंग लिए, यहाँ से यहाँ छोड़ देते हैं। तो हमने बीम को देंगे 350 ना, आर ई सी एंटर करेंगे, इस साइड पर डी एंटर करेंगे, 0.3 पर एंटर, 0.4 एंटर, तो ये हमारा बीम बन जाएगा 5। इसको हमें एम एंटर करना है, सेंटर पॉइंट करके आप सेंटर पे क्लिक करते हैं। इसको हम थोड़ा सा ऊपर लेंगे, एम एंटर करके 0.1 ऊपर लेंगे, ये बन गया हमारा बीम। जो मैं दीवार के साथ इंटर इसको प्रिंटिंग कर देंगे, प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, इसको प्रिंट कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे हम एच देंगे, एच एंटर, यहाँ पे हाई दे देते हैं, एम ए एंटर। तो ये हमारा कोचिंग है, ये हमारा क्वेश्चन हो गया पोर्शन कम्प्लीट। अब हमने एक का पोर्शन ऐड करना है, तो अभी ऐसे हमने ये देख देख सकते हो आप जूम करता हूँ, बॉल ये 300 से कम है, तो हमने जैसे मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि जो हमारी ब्रिक बॉल है वो 0.23 तक पहुँची है। तो एल एंटर करके यहाँ से लाइन लेते हैं ऊपर, छोटी क्या देख सकते हो ऐसे ले लीजिए, और ओ एंटर करके 0.23 एंटर, ये। अब हमने क्या करना है इसको देखिए, 3.6 हमें x की फैट लेनी है, वो एंटर करके यहाँ पे प्ले करके 3.6 एंटर, ये हमारी एक ऑफर बन गया 3.6 ऊपर, ठीक है। और यहाँ पे 0.15 ले लेते हैं, ये ज़्यादा हो जाएगा, हमें ऑफर वापस लेना पड़ेगा। एस प्ले करके वो एंटर करके 0.15 एंटर, ये हमारा स्लैब है, एल एंटर करना है, यहाँ पे आपको जाना है 0.6 एंटर, 0.15 एंटर, यहाँ पे क्लिक कर
ये हमारा फिल्म सेशन शुरू हो गया, बस इसको हम एक्सटेंड करते पहले पार्ट तक, ठीक है। एल एंटर, 0.6 एंटर, 0.15 एंटर और 0.6 एंटर, ठीक है। अब इसको हम टी आर टू एंटर करके पिंक कर देंगे, इसके इंडिविजुअल नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, स्क्रीन प्रेशर के साथ हमें इसको पैड फिट बोल देनी है। तो पैड फिट का तो दोस्तों साइज जो कितनी कितनी होती है आप अपने पर डिपेंड करता है कि आपको इसकी हाइट कितनी रहती है, 1 मीटर की हाइट। पैड फिट बॉल जो होती है दोस्तों जितना हमारा बिग बॉल होती है उसको आता, यानी कि हमारी बिग बॉल 0.2 इंच की होगी तो पैड फिट बॉल हमारी 4.5 इंच की होती है। तो 230 का हाफ होता है 0.115, ठीक है। 0.115 एंटर, ये हमारे पर एंटर कर दिया। यहाँ पे हमें इसको क्लिक कर दिया छोड़, क्योंकि अब इसको हम जैसे सी ओ कॉपी करके यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे मूव कर सकते हैं। तो ये हमारा बन के ऊपर से पैड फिट बॉल बन गया, ठीक है, स्लाइव बन गया, बॉल बन गया। अब हमें विंडो देनी है और हमें इसमें विंडो से नहीं है। तो विंडो के लिए क्या करना है, लेंटर बीम विंडो और रो देनी है। उसके लिए क्या करना है आपको, इस तरह जो है आर टी सी रेक्टेंगल रखना है, विंडो साइज 0.9 यानी कि 0.D एंटर करके 0.9 एंटर, 1.2 एंटर कर देना। तो ये हमारा विंडो साइज हो गया। इसको हम ऑफसेट देना तो ऑफसेट में ले दो 0.5 ले दो, 0.5 ले दो, 0.5 एंटर, 0.5 हो गया। पहले एंटर के सेंटर दे दें इसका, तो वो एंटर करके 0.5 ले, 0.5 ले तो हम देख लें 0.025 ले लिया एंटर। एक यहाँ पे और एक छोटे यहाँ पे इसको सेंटर देखना है। तो ये हमारा हो गया विंडो। उससे पहले हमने क्या करना है, एक लेंटर बीम देना है। लेंटर बीम हमने देखना है, लेंटर बीम जो है वो हमारा डेट जो हमारा 1.2, 2.4 ऊपर आ गया। तो वो एंटर करके हमें यहाँ पे लेना है 2.4 एंटर। ये हमारा एक लेंटर बीम प्लेस बन गया हमारा। लेंटर बीम जो है दोस्तों हमें सेंटर में शो नहीं होगा, तो लेंटर बीम हमारे बाहर शो करते हैं। हमारे यहाँ पे लेंटर बीम फैट दिए 2.5, देखो चेक कर सकते हो लेंटर बीम साइज क्या साइज दिए यहाँ पे मैंने, लेंटर बीम यहाँ पे साइज दिया हुआ है 2.3 से 2.5। 2.3 हमारी वॉल है, वॉल का साइज है, 2.5 हमारी हाइट होगी। तो दे दिया इसको टी आर टू एंटर करके पिंक कर दिया, ठीक है। ये हमारा लेंटर बीम बन गया। अब हमने लेंटर बीम के साथ ही इसको मैं ले रहा था, लेंटर बीम के साथ ही हमें वॉल दिखो कोई नहीं। तो क्या करेंगे, सी ओ कॉपी एक यहाँ पे क्लिक करके यहाँ पे छोड़ देते हैं, दूसरा हम यहाँ पे छोड़ देते हैं। दो हमें विंडो देनी है इसके साथ में। एल एंटर करके ये हमें वॉल देनी है 1.2 और 2.4, ठीक है। अब हम फिलहाल डील कर सकते हैं आराम से, टी आर डो एंटर एंटर, ठीक है। वो एंटर करके इस तरीके हमें ये ऑफर लिया, सेम इसको भी लेंगे और वो एंटर कर देते हैं, इसको पहले ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। इसको डील करके ज्वाइन मैंने से किया दोस्तों कि हम जैसे हम ज्वाइन करेंगे ना, तो हम जब हम ऑफर लेंगे तो एक दोनों का एक ही साथ लेगा, हमें पिन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी या फिट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, देखिए, ठीक है। ये हमारे डोर बन गए और विंडो बन गए। अब यहाँ पर विंडो नहीं देखते जैसे 800 के ये यहाँ पे विंडो शो हो रही है, तो हमें यहाँ पे देनी पड़ेगी। ऐसे ही साथ क्या करना है, इसका हमें बिल्कुल एक लाइन लेनी है और टी आर टू एंटर करके इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है। टी आर टू एंटर डिलीट कर देंगे। अब हमें इसको कॉपी कर देंगे, या फिर कॉपी करने के अलावा अब यहाँ पर लाइन देता हूँ सेंटर लाइन, एल एंटर फ्रंट लाइन देखो, एक लाइन देखो अपनी फ्रंट लाइन देखिए, हमें एक लाइन देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा बन गया पूरा डोर विंडो से, ठीक है। अब हम इसे देने हैचिंग, हैचिंग के लिए क्या करना, एच एंटर कर देना, जैसे मैंने बताया पहले इसको देंगे हमारा कंप्लीट था, जो आर सी स्लैब होती है हमारी कंप्लीट होती है, क्लिक कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। कंप्लीटिंग होती है यहाँ पे क्लिक कर देंगे, फिर यहाँ पे क्लिक कर देंगे, यहाँ से डिलीट हो गए। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको दोनों को कॉपी करेंगे, सी ओ कॉपी, और इसको यहाँ से
डायरेक्टली को कॉपी, यहाँ से हम कर देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे, ठीक है। एलिमेंट को ऐड करेंगे, अब हम ऐड दे दिए, अब हमने करना एम ए मैच करना, इसके साथ मैच कर देते हैं, यहाँ पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे क्लिक करेंगे, ठीक है। ये थोड़ा छोटा है, ये थोड़ा बड़ा, आप देखते हैं हमारे ये बन के ऑप्शन ऐड करना, यहाँ पे एच एंटर करेंगे, ये वॉल है, ये भी वॉल है, ब्रिक वॉल है, ये भी ब्रिक वॉल है, ये ब्रिक वॉल है, ये भी ब्रिक वॉल है, इसको ब्रिक वॉल हमारे साइन का ये रहा ऊपर, ओके ये थोड़ा कर सकते हैं, 0.06 कर देते हैं, कलर कर रेड, ब्रिक वॉल कर रेड होता है, ब्रिक वॉल कर। तो ये था दोस्तों हमारे प्लान और सेक्शन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, तो इसका डिज़ाइन मैं आपको बता देता हूँ, डिज़ाइन भी कर सकते हैं, फ्री बोर्ड हम थोड़ा नीचे कर सकते हैं, वहाँ पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये था हमारा प्लान और सेक्शन, सम टाइम फॉर पंप रूम। अगली बार मैं आपको पंप रूम बिल्डिंग का एक प्लान और उसके दो सेक्शन बताऊंगा, उसमें डिटेल ऑफ फाउंडेशन हम कैसे बनाते हैं वो बताऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को जितना हो सके शेयर करें, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी आगे भी सीख सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।